25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन यह सत्र सिर्फ शुरू हुआ, संसद चली नहीं। तारीखें जरूर बदलती गई मगर संसद में हंगामे का दस्तूर नहीं बदला। तारीखें गुजरती गई और आज 2 दिसंबर की तारीख आ गई मगर संसद में हंगामा जस का तस रहा। यूं समझिए कि संसद चलती कम है, ठप ज्यादा होती है। आलम क्या है वो हम आपको बताते हैं। 25 नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई, लोकसभा महज 6 मिनट, अपनी उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, सिर्फ 6 मिनट लोकसभा चली। 26 नवंबर को संविधान दिवस था तो राष्ट्रपति का अभिभाषण था। 27 नवंबर को महज 15 मिनट की कार्यवाही चली। 28 नवंबर को भी महज 15 मिनट, 29 नवंबर को 20 मिनट, आज यानी 2 दिसंबर को 13 मिनट की कार्यवाही चली। मतलब 25 नवंबर से अब तक कुल 69 मिनट्स संसद चली है। लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा में अब तक सिर्फ 4% काम हुआ है, राज्यसभा में महज 5% काम हुआ है। संसद ठप इसलिए रही क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि संसद में सबसे पहले अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। कांग्रेस चाहती है कि बाकी के विपक्षी दल भी अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल कांग्रेस की चाहत से जरा किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। कांग्रेस के अलावा बाकी के विपक्षी दल चाहते हैं किसान, संभल, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। बाकी के विपक्षी दल अडानी के मुद्दे से आगे बढ़ना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में शोर है, शराबा है, तेवर है, तलखियां हैं, दिल मिलाहट है, नारेबाजी है, हंगामा है, बवाल है। यूं समझिए कि बहुत बुरा हाल है। पिछले 10 वर्षों में संसद चलती कम है, ठप ज्यादा रहती है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आलम यह है कि 25 नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई और लोकसभा महज 6 मिनट चली। 26 नवंबर को संविधान दिवस था तो राष्ट्रपति का अभिभाषण था। 27 नवंबर को महज 15 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चली। 28 नवंबर को भी महज 15 मिनट, 29 नवंबर को 20 मिनट और आज यानी 2 दिसंबर को 13 मिनट की कार्यवाही चली। आलम यह है कि 25 नवंबर से अब तक कुल 69 मिनट ही लोकसभा चल सकी। इतना ही नहीं, लोकसभा में अब तक सिर्फ 4% काम हुआ और राज्यसभा में महज 5% काम हुआ। अब सवाल यह है कि जनता अपने माननीयों को क्या इसीलिए संसद की कुर्सी तक पहुंचाती है कि वो किसी ऐरे गहरे नथू खेरे की तरह हंगामा करे, या इसलिए वो अपने सांसद को चुनती है कि उनके हित के लिए वो कानून बनाए, ऐसी नीतियां रचे जो जनता के बेहतर भविष्य की बुनियाद बने। और मूल सवाल तो यह है कि आखिर इतना हंगामा बरपा ही क्यों? तो इसके कई जवाब हैं। कांग्रेस चाहती है कि संसद में अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, पर अडानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम 18 महीने से उठा रहे हैं और अभी जो अमरीकी संस्था है, ये सिर्फ निजी कंपनी का मामला नहीं है, जो सरकारी कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से चलाया जाता है, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और सब लोग जानते हैं, अडानी है तो मोदी है, मोदी नहीं है तो अडानी नहीं है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि अडानी के मुद्दे पर सरकार को भय है और इस भय के चक्कर में सरकार खुद संसद को स्थगित देखना चाहती है। इस सरकार इतना डरी क्यों है अडानी के मुद्दे पे, संभल के मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पे? आज तो कोई बेल में भी नहीं गया, किसी ने आवाज भी तेज नहीं की, सब ने अपनी बात कहने की कोशिश की, अपने स्थान पे खड़े होके की। एलओपी बोलना चाह रहे थे, उनको नहीं बोलने दिया गया और अपने आप सरकार भाग जाती है सदन छोड़ के। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक राय रखे, एक सुर साधे, इसलिए कांग्रेस ने फ्लोर मैनेजमेंट की बैठक बुलाई, मगर यहाँ ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। टीएमसी का कोई सांसद इस बैठक में पहुँचा ही नहीं, और पहुँचता भी कैसे? टीएमसी की ओर से तो 4 दिन पहले ही कह दिया गया था कि टीएमसी चाहती है कि संसद चले, हम नहीं चाहते कि एक मुद्दे से संसद बाधित हो, हमें इस सरकार को उसकी कई विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। यानी विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, कमोबेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। और चूंकि अब किसानों के भी आंदोलन चालू है, किसान भी हमारी प्राथमिकता में,
और इस पर भी चर्चा हमें जरूर चाहिए। यानी कांग्रेस भले ही अदाणी का रट लगाए बैठी हो, मगर विपक्ष के कई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं कि संविधान पे जो दो दिवसीय चर्चे की बात हुई है वो सब लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें करना भी चाहिए। अलग अलग इश्यूज हैं, मणिपुर इशू है और अडानी इशू मेन है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो यही सब बातचीत हो रही थी कि उस पर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो दिन मतलब सत्ता पक्ष भी चाहती है शायद कि अर्जेंट हो जाए हाउस, ऐसा लग रहा है। संसद का ठप रहना चिंता का विषय है, इसलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। और अच्छी बात यह है कि इस बैठक में सभी दलों ने शांति से सदन चलाने पर सहमति जताई है। ये सहमति कितना मूर्त रूप लेगी ये तो बाद की बात है, मगर आज की बात तो यही है कि संसद ठप है। जो विपक्ष है जो चलने नहीं दे रहा है वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज़ नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है, पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये बैल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीज़ें आप सबकी मान लें ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। संसद की कार्यवाही में एक घंटे में करीब 1.5 करोड़ का खर्चा आता है, मगर ऐसा लगता है जैसे हमारे माननीयों ने इसे नजरअंदाज करने की ठान ली है। तभी तो संसद के भीतर तकरार है, जोरदार है, लगातार है, और अब सिर्फ इंतजार है कि संसद सुचारू रूप से कब से चलेगी। आज तक ब्यूरो।